हाय गाइस, कैसे हो आप सब। नमस्ते, मेरा नाम है मानव प्राय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों बात करने वाले हैं कुछ नया एंड यूनिक MIUI 12 और MIUI 12.5 थीम्स के बारे में। जो कि आप दोस्तों जो थीम स्टोर है Xiaomi का और MIUI का, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, जो एक काफी बढ़िया बात है। सो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर जरूर से करना। तो सभी जो थीम्स है जो कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं शोकेस करने वाला हूँ, सभी थीम्स का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। सो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जाके आपको जो भी थीम पसंद आए वहाँ पर सब अपने फोन के ऊपर उसे डाउनलोड करके अप्लाई कर देना। सो सबसे पहले बोल दूँ, मेरे पास जो फोन है उसमें पोको F1 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ सॉफ्टवेयर सपोर्ट की, तो ये जो फोन है गूगल 7 वर्जन के अंदर रनिंग कर रहा है। तो यहाँ पर देख ही पा रहे हो MIUI 12.0.3 ग्लोबल 7% जो अवेलेबल है पोके फन के अंदर, उसको रनिंग कर रहा है। सो ये जो थीम है, सभी दोस्तों को जो थीम स्टोर है वो आप देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो कोई भी झंझट वाली बात नहीं है यहाँ पर थीम्स के अंदर। तो सबसे पहला जो थीम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, इसका नाम है सिंपलिसिटी। ये जो थीम है उससे 12.6 MB के आसपास है। रोहित सिंह जॉन करके जो डेवलपर है उसकी तरफ से जो थीम है हमें देखने को मिल जाती है। एंड थीम को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। एंड हर एक थीम को अप्लाई करने के बाद जरूर से एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट कर देना, तो जो थीम है सक्सेसफुली सभी प्लेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। एंड ये जो थीम है काफी सिंपल सा थीम है। पीछे आपको ब्लू बैकग्राउंड देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो आइकॉन्स है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिल जाएगी। आइकॉन्स जो है कुछ सर्च हम देखने को मिलता है। एंड मस्त सवाई सब आइकॉन है। इवन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर भी ये जो आइकॉन्स है ये बराबर तरीके से काम करती है, देखिए बारे हो। एंड बाकी आप देखिए सभी ऑलमोस्ट सभी प्लेस के अंदर जो आइकॉन से काम कर रहा है। अगर बात करूँ उसके स्टेटस बार की, ये दोस्तों हमें MIUI 11 का स्टेटस बार देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से है। एंड मेरे को तो बड़ी लगा, अगर हम डार्क मोड ऑन करते थे तो कब कैसे देखने को मिलता है वो भी चेकआउट कर लेते हैं। सो ये अपना ये लॉक स्क्रीन आ गया। सो इस थीम के अंदर लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको ऑप्शन देने को मिलता है, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन है, आपको स्कैनर का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। ये सभी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस पर्टिकुलर छोटे से ऑप्शन को टैप करने के बाद। एंड डार्क मोड के साथ भी दोस्तों थोड़ा बहुत दोस्तों हमें चेंजेस देखने को मिल जाती है। बट ये जो थीम है दोस्तों मेनली आपका डार्क मोड के ऊपर बेस करके तैयार नहीं किया गया है, काफ़ी बढ़िया है। एंड वॉल्यूम पैनल की बात करूँ, नो चेंजेस एट ऑल, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला है वॉल्यूम पैनल के अंदर। उसके साथ साथ दोस्तों चलते दोस्तों पर सीरीज के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। एंड सीरीज कहाँ पर गया, ओके सेटिंग्स के आसपास यहाँ पर जो आइकॉन्स है इसमें हमें थोड़ा बहुत चेंजेस देने को मिल गया है, जैसे कि देखिए पा रहे हो सेटिंग्स का जो आइकॉन्स है इसमें हमें चेंजेस देने को मिला है। बट बाकी ज्यादा ह्यूज चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है इस थीम के अंदर। बट बढ़िया थीम है वैसे, अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो तो इस थीम के अंदर ट्राई करके देख सकते हो। एंड अगर बात करूँ MIUI 12 कंट्रोल सेंटर के साथ, तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है इस थीम के अंदर, सिंपलिसिटी थीम के अंदर। सो इस थीम के अंदर बेसिकली आपको सिंपल चीज देखने को मिलेगा। सो 12.6 MB के आसपास है, इसे भी ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट थीम कोर बढ़ते हैं, इसका नाम है समर, 13.8 MB के आसपास है। एंड जशन खान करके डेवलपर की तरफ से ये जो थीम है देखने को मिल गया है। एंड जो थीम है इस पर अप्लाई हो चुका है। हम दोस्तों यहाँ पर जो फॉन्ट है उसे अप्लाई नहीं कर रहे। एंड बूम भाई साहब, सबसे पहले देखिए जो स्ट्रसबर है वो देखिए काफी अब बढ़िया है। बट कुछ कुछ चीजें इसकी जो उधर एप्लीकेशन के अंदर प्लेस वो बाहर आ चुका है, जो बैटरी परसेंटेज वो बाहर आ चुका है। एंड यहाँ पर आप डबल टैप करके चेंज भी कर सकते हो, ट्राई करके देखते हैं। सो डबल टैप करते हैं, यहाँ पर देखिए मेरा डबल टैप हम कर रहे हैं बट यहाँ पर कुछ हो तो नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। बट ओके सो ये तो वेदर आ गया, डबल टैप कर लेते हैं भाई साहब, कुछ तो आ जा। ओके सो डबल टैप का ऑप्शन दे रहा था बट वो करने के लिए बोल रहा था, बट डबल टैप से काम नहीं हो रहा है। बट इसका होम पेज देख सकते हो, पीछे के वॉल पर देख सकते हो, यहाँ पर आइकॉन्स हो देखिए इस थीम के अंदर कैसा हमें देखने को मिलता है। आइकॉन तो बढ़िया है मेरे हिसाब से, आइकॉन के अंदर कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड इवन जो आपका सिस्टम एप्लीकेशन है उसके अंदर भी काम कर जाता है, एंड बाहर जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत काम करता है। अगर बात करूँ स्टेटस बार के साथ, यहाँ पर ग्रीन कलर यूज किया गया है इस थीम के अंदर। सो ये जो थीम है ये भी काफी मस्त थीम है। एंड सेटिंग्स की बात करूँ, सेटिंग्स के अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि देख पा रहे यहाँ पर आपको लाइंस देने को मिल जाती है। एंड सेटिंग्स साइड का जो आइकॉन्स है इसमें भी थोड़ा बहुत दोस्तों हमें यहाँ पर चेंजेस देने को मिल गया है। वॉल्यूम पैनल की बात करूँ, थोड़ा सा चेंज हुआ है UI के अंदर। एंड अगर बात करूँ लॉक स्क्रीन की,
तो लॉक की स्क्रीन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज वेदर क्लॉक हमें देखने को मिल जाती है, दैट्स प्रीटी मच इट। इसका जो लॉक स्क्रीन है मेरे को काफी पसंद आया है। बैठते दोस्तों नेक्स्ट थीम के ऊपर दोस्तों, एंड ये जो समर थीम है, समर थीम के अंदर जो इमेजर 12 के कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, जैसे देखिए बड़ो बढ़िया है, एंड डायलर फायलर भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो थीम है दोस्तों गैलेक्सी नोट 20 है, एंड यहाँ पर 9.7 MB के आसपास है, अक्रम करके डेवलपर की तरफ से देखने को मिलता है। एंड सबसे पहले ऊपर जो स्ट्रेस बार है वो पूरा पर चेंज हो गया है, यहाँ पर जो पीछे का वॉलपेपर है वो चेंज हो गया है, एंड काफी मस्त दिख रहा है। इवन जो आइकॉन्स है सिस्टम एप्लीकेशन का जो आइकॉन्स है वो भी हमें यहाँ पर चेंजेस देने को मिल जाती है, जो काफी बढ़िया बात है। सो गैलेक्सी नोट 20 के साथ जो थीम है कुछ इस तरह से हो जाता है, एंड मस्त है भाई सब। एंड स्ट्रेस बार की बात करें पूरा ब्लैक आया है, थोड़ा बहुत दोस्तों 1UI की डेफिनेटली फील देखने को मिल जाती है। एंड वॉल्यूम्स की बात करूँ UI के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है वॉल्यूम पैनल की UI के अंदर, जो कि काफी बढ़िया बात है। चलते सीरीज के अंदर दोस्तों ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, बट यहाँ पर जो आइकॉन्स है डेफिनेटली यहाँ पर हमें चेंजेस देने को मिल जाएगा आइकॉन्स के अंदर। लॉक स्क्रीन की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली लॉक स्क्रीन जो है चेंज हो गया है, देखिए बड़ा कुछ इस तरह से हमें लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाती है, काफी मिनिमलिस्टिक सा लॉक स्क्रीन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करूँ यहाँ पर डायलर की तो डायलर कुछ इस तरह से हो जाती है दोस्तों इस थीम के अंदर, दैट्स प्रीटी मच इट गैलेक्सी नोट 20। नेक्स्ट थीम की ओर बढ़ते हैं, इस थीम का नाम है डीप सी, 13.3 MB के आसपास है, रोहित सिंह चौहान की तरफ से थीम देखने को मिलता है। सभी थीम्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेस बार के चेंजेस देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें जो है ये जो विजेट है जो फॉन्ट यूज किया गया है दोस्तों काफी बढ़िया है क्लॉक के अंदर, मेरे को तो काफी पसंद आया है। पीछे का वॉलपेपर आप देख सकते हो, आइकॉन सब देख लीजिए, काफी बढ़िया एंड काफी प्यारा आइकॉन यहाँ पर यूज किया गया है, मेरे को तो काफी बढ़िया लगा ये आइकॉन पैक। एंड अगर बात करूँ स्ट्रेस बार की तो स्ट्रेस बार MVI 11 का कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, काफी क्या क्या हुआ है सब जो आइकॉन से काफी छोटे छोटे है। एंड चलते सीरीज के अंदर अगर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर जो आइकॉन से बड़े हो गया है, यहाँ पर जो साइड में आइकॉन है ये भी हमें थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो स्पेस है वो भी थोड़ा सा ज्यादा हमें देखने को यहाँ पर मिल गया है। एंड नो चेंजेस एट ऑल, यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अगर बात करूँ लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन के अंदर जो एनिमेशन है देखिए, वाओ भाई सब जो एनिमेशन देखने को मिलता है काफी मस्त सा है। एंड यहाँ पर हमें दोस्तों और भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, बहुत सारे ऑप्शन है जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर चाइना से दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर अलीपे है, वीचैट है, ये सब चाइनीज एप्लीकेशन आप चाइनीज शॉर्टकट से इसे डाला गया है, सो इसे रिमूव करना चाहिए डेवलपर को। एनीवे काफी मस्त थीम है, मेरे को तो ये जो थीम है डीप सी काफी पसंद आया है। बाकी MIUI के 12 कंट्रोलर के साथ कुछ इस समय देखने को मिलता है। एंड डायलर की बात करूँ आपको iOS वाली फील देखने को मिल जाएगी डीप सी की जो थीम है उसके अंदर। नेक्स्ट थीम के ऊपर बनने वाले हैं दोस्तों, इसका नाम है PUB लाइन UI। सो सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। सो ये जो PUB लाइन UI का थीम है दोस्तों थोड़ा बहुत फ्यूचरिस्टिक सा है, पीछे का जो वॉलपेपर वो भी आप देख सकते हो, पीछे यहाँ पर हमें एक्चुअली लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाती है, यहाँ पर जो आइकॉन्स है वो देख सकते हो, एंड यहाँ पर जो एनिमेशन है वो भी आप देख पाओगे। बाकी काफी मस्त है, यहाँ पर जो म्यूजिक प्लेयर है वो डाल दिया गया है, साइड में यहाँ पर आइकॉन्स देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पर जो आइकॉन्स है उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है, बट पीछे हमें यहाँ पर लाइव वॉलपेपर देखने को मिलता है जो कि मेरे को काफी पसंद आया है। नाउ ये जो थीम है, ये थीम मेनली आपका डार्क मोड के साथ ही बढ़िया काम करता है। कैसे? सबसे पहले डार्क मोड को ऑन किया, बूम भाई सब देखिए डार्क मोड को अप्लाई करते ही कैसे चेंज हो गया। एंड जरूर से दोस्तों डेफिनेटली इस थीम को अप्लाई करने के बाद आपके फोन को रिबूट करना होगा, वरना ये जो थीम है बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा। और एक बात है दोस्तों, इस थीम के अंदर आपको डार्क मोड के साथ यूज करना होगा इस थीम को, तभी दोस्तों ये जो थीम है बढ़िया काम करेगा। एंड देखिए जो आपको वाईफाई का स्टेटस है, जो ब्लूटूथ आइकॉन है, जो आपका सेटिंग्स है, सब कुछ यहाँ पर चेंजेस हो गया है, जो कि देखने में काफी बढ़िया दिख रहा है, एंड मेरे को तो काफी पसंद आया ये जो थीम है। बाकी सीरीज की अगर बात करो तो सीरीज में भी यहाँ पर चेंजेस हो गया है, कम्प्लीटली चेंज आपको थोड़ा बहुत दोस्तों साइबर पंक का याद डेफिनेटली दिलाएगा। एंड पीछे यहाँ पर जो साइड में आइकॉन हमें देखने को मिलता है सीरीज का, वो उसमें भी हमें चेंजेस देने को मिल गया है। एंड जो अबाउट सेक्शन है उसमें भी चेंजेस देने को मिलेगा, एज वेल जो वॉल्यूम पैनल है उसमें भी हमें चेंजेस देने को मिल गया है, जो काफी बढ़िया बात है। अगर बात करो अपना लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, काफी मिनिमलिस्टिक सा लॉक स्क्रीन है, यहाँ पर आपको टाइम देने को मिलता है, डेट देने को मिलता है, दैट्स प्रीटी मच इट। सो काफी बढ़िया थीम है एंड मेरे को ये जो थीम है काफी पसंद है। सो नेक्स्ट थीम की ओर बढ़ते हैं, सो नेक्स्ट थीम का नाम है साइबर लाइन UI बीटा, 20 MB के आसपास से, एंड ब्रूनो करके जो डेवलपर है उसके तरफ से देखने को मिलता है। वंस अगेन ये जो थीम है ये भी दोस्तों डार्क मोड के ऊपर ध्यान में रखे तैयार किया गया है, एंड इस थीम को आपको डार्क मोड के साथ यूज करना होगा।
एंड बूम भाई साहब थीम को हमने अप्लाई कर दिया है सक्सेसफुल एंड यहाँ पर साइबरपंक का लोगो आ गया। पीछे आप देख पाओगे दोस्तों आपको यहाँ पर क्लॉक देखने को मिलता है, यहाँ पर डेट टाइम दिया गया है, म्यूजिक प्लेयर है एंड सबसे अच्छी बात है दोस्तों इसका जो सर्चबार है वो देख पाओगे काफी बढ़िया हमें यहाँ पर सर्चबार देखने को मिल जाती है एंड पीछे आपको साइबरपंक का आइकॉन देखने को मिल जाती है, काफी मस्त हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। आइकॉन्स की बात करो दोस्तों आइकॉन्स में ज्यादा कुछ यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है, स्पेशली जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसके अंदर ध्यान नहीं दिया गया है। आइकॉन्स को भी फ्यूचरिस्टिक करना चाहिए था डेवलपर को, तभी दोस्तों जो असली मजा हुआ था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सेटिंग्स मेनू की बात करूँ काफी बढ़िया है, सेटिंग्स मेनू जो है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंजेस हो गया है एंड ये जो थीम है अगेन इस थीम को प्ले करने के बाद डार्क मोड एनेबल करो, फोन को रजिस्टर करो तभी दोस्तों आपको मजा आएगा, वरना आप इस थीम के साथ मजा नहीं ले पाओगे। एंड देखिए बारो MIUI का जो लोगो है कुछ सर समझने को मिल जाती है एंड जो सेटिंग्स मेनू है काफी बढ़िया है। अगर बात करो अपना वॉल्यूम की तो वॉल्यूम की के अंदर भी चेंज आया है, रेड कलर की उसके गए हैं वॉल्यूम्स पैनल के अंदर जो काफी बढ़िया है। मेरे को तो ये जो थीम है सबसे ज्यादा पसंद आया है एंड साइबर पंक का जो याद है प्रॉपर दिला रहा है एंड ये क्या है भाई साहब अपना म्यूजिक प्लेयर हमें देखने को मिलता है, सो यहाँ पर हमें म्यूजिक प्लेयर भी देखने को मिल जाती है। सो अगर आपको इस थीम को ट्राई करना है तो डेफिनेटली लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक्चुअली सभी थीम्स का लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड देखिए बारो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, बढ़िया थीम है साइबर लाइन। नेक्स्ट जो थीम है दोस्तों इसका नाम है वैल्यू 22 MB के आसपास है, रोहित सिंह चौहान की तरफ से जो थीम है देखने को मिला है एंड अगेन ये जो थीम है डार्क मोड के साथ नहीं है, बस ये नॉर्मल थीम है एंड यहाँ पर देखिए बारो यहाँ पर डबल क्लिक हेयर टू स्विच का ऑप्शन है भाई साहब फोन गिर गया था। सो यहाँ पर अगर आप डबल टैप करोगे तो आपका जो विजेट है दोस्तों चेंज हो जाएगा, देखो दो ही दिया गया है भाई साहब ज्यादा नहीं है। एंड अगर बात करो आइकॉन बैक देखिए कुछ इस तरह से देखने को मिलता है इस थीम के अंदर, आइकॉन बैक जो है जस्ट ओके है एंड आपका जो सर्विस बार है उसमें नो चेंजेस एट ऑल। सेटिंग्स मेनू के अंदर यहाँ पर जो आइकॉन से इसमें चेंजेस देखने को मिल जाती है, अबाउट फोन की बात करो नो चेंजेस, वॉल्यूम पैनल के अंदर चेंज नहीं हुआ है, लॉक स्क्रीन की अगर बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन जो है वो यहाँ पर लॉक स्क्रीन चेंज हुआ है भाई साहब, देखिए बारो लॉक स्क्रीन कैसा सा है, काफी बढ़िया बात है एंड यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो आप दोस्तों। सो लॉक स्क्रीन जो है हमारा कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर बैटरी आइकॉन है, विजेट है, व्हाट्सएप है, नोट्स, टेलीग्राम ये सब डाल दिया गया है। थीम का जो लॉक स्क्रीन है काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा अच्छा खासा ऑप्शन डाल दिया गया है जो काफी बढ़िया बात मेरे को लगी है। सो ओवरऑल दोस्तों सभी जो थीम्स है सभी थीम्स काफी प्यारे हैं एंड काफी बढ़िया लगे हैं मेरे को, आप कौन सा थीम सबसे ज्यादा अच्छा लगा है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मेरे को जो था साइबरपंक का थीम सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, बाकी PUBG का जो थीम है वो भी काफी बढ़िया लगा। सो होपफुली दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।